पोडार सेवा ट्रस्ट की ओर से नदिया जिले के साहेब बागान सुखना कल्याणी में पूर्वोत्तर का सबसे विशाल श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण होगा। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इच्छा है हमारे जो प्रांचल में 36 गाय जो गाय देसी गाय जिसको बोलते हैं जर्सी गाय हमारे गौशाला में एक भी नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि जर्सी गाय होता है हाइब्रिड गाय होता है वो हमारे फ्यूचर में नहीं होता है। देसी गाय ऑलवेज फ्यूचर में होता है। देसी गाय का बहुत सा अलग अलग उसका प्रजाति होता है। तो हमारे प्रांगण में 36 गाय है। ये गाय जो है आपको मैं बता रहा हूँ जो हमारे एरिया का हमारे डिस्ट्रिक्ट का जगन्नाथ मंदिर का उपलक्ष्य में किए। ठीक है, अच्छा ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थायी रूप से बनाई जा रही है? जी ये स्थायी रूप से बनेगी, 1.5 एकड़ के ऊपर पे बनेगी। कहाँ पे? ये कल्याणी में सगुना साहेब भगन। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें मोट कितना मतलब मूल्य इसमें दिया गया है ये मंदिर को बनाने में, और कितने खर्च, ये जो खर्च है वो कहाँ से आ रहे हैं? ये अप्रोक्सीमेट है, ये हमारे जितने ट्रस्टी हैं और हमारे जो भी इसको डोनेशन देंगे उसे डोनेशन से बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर अशोक कुमार। महाराज जी आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप हमें बताइए कि ये मंदिर का उच्चार के साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि ये जगन्नाथ टेम्पल कितना जागरूक है, और ये 2013 में ऑलरेडी ये छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है स्थायी रूप से, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। ये तो बहुत जागृत है, इतना बहुत इतना आदमी आ रहा है, हम देख रहे हैं भजन करता है, शामदन करता है, आता है, इसीलिए एक्चुअली भगवान के पास कौन आता है, भक्त तो आता है, भक्त में हमको बहुत आता है, इसी हमको उपलब्धि हुआ। ये जागृत जो जो बना है उस लोग बहुत आदर से प्रेम से अनंतर से बना है। आपका नाम? विहंगम जोगी आचार्य देव क्रांतदर्शी गुरुजी महंतो महाराज। धन्यवाद। हमको जो परिकल्पना है आइडिया है जो डिवाइन अवेयरनेस मीट, लेकिन हम लोग का अभी क्या हो रहा है, हम लोग का सब एकदम फुलफिल आवर्तन में चल जाता है, इसी उद्धार के लिए अपलिमेंटम माइंड एंड स्पिरिट ये हमको क्लास करता है। बहुत आदमी आता है, बहुत प्यार से आता है, बहुत सुंदर चलता है, एंड दैट इज माय प्रोग्राम एंड दैट इज माय अचीवमेंट।